ये आपके सामने एक चैनल ओपन हुआ हुआ है, ये देखें इस्लामिक चैनल है। इस चैनल ने 2 माह के अंदर अंदर जो है ना 55,000 सब्सक्राइबर वो पूरे किए हैं। तो मैं इस चैनल को ओपन करता हूँ, इसके अबाउट सेक्शन में जाके आपको मैं बताता हूँ। ये देखें इसने 2023 को बनाया है, ये देखें जून को इसने बनाया है, जुलाई अगस्त ने, ठीक है, 2 माह के अंदर अंदर देखें इसने कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हासिल किए हैं। और ये सारे जो इस्लामिक वीडियो उसने वो डाली हुई हैं। इस वीडियो के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें इसकी जो पॉपुलर वीडियो उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें 1 माह पहले इसने वीडियो डाली है जिसके 2.2 मिलियन व्यूज इसके ऊपर आए हैं। और ये चैनल मोनेटाइज हुआ है और मोनेटाइज होने के बाद ये डीमोनेटाइज हो गया है। देखें कुछ ऐसे मिस्टेक करते हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो चैनल वो डीमोनेटाइज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने जो चैनल रखा है ये देखें 2 माह के अंदर अंदर इन्होंने 55,000 सब्सक्राइबर हासिल किए हैं, सिर्फ 49 वीडियो इन्होंने डाली हैं और ये चैनल मोनेटाइज होकर भी डीमोनेटाइज हो गया है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि इन्होंने प्रॉपर यूट्यूब को सीखा ही नहीं है, सिर्फ इन्होंने कहीं चंद इन्होंने सीखा होगा कि इस्लामिक जो है चैनल किस तरह बनता है, वीडियो किस तरह एडिटिंग होती है, फिर इन्होंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। देखिए यूट्यूब की जब तक आप पॉलिसीज को नहीं समझेंगे आप चैनल के ऊपर कभी भी कामयाबी नहीं पाएंगे। इस वीडियो के अंदर में हमने ये सीखना है कि ये जो इस्लामी वाक्यात वाली वीडियो कैसे बनती हैं, ये हदीस वाली होगी या कोई टोटके वाली होगी या इस तरह कोई अकवाली जरीम वाली जो वीडियो होती है, ये कैसे बनती है। तरीकाकार इनका एक ही है, अगर आप सामने नहीं आ रहे हैं तो आपने किस तरह वीडियो बनानी है, सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर हमें ये सारा कुछ सीखना है। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और इसका जो बेल का आइकन है उसको आपने वो दबा देना है, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं और यहां पर आपको सीखने को वो कुछ मिलता है जो कहीं और से नहीं मिलता। तो ये मोबाइल के ऊपर हम चलते हैं और हमने ये चीज़ें कहाँ से लेनी है और हमने इनको कैसे एडिट करना है, सारा कुछ हमने ये सीखना है। आपने इमेज सर्च मेन को आपने ओपन कर लेना है, आप ये प्ले स्टोर से इजीली वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चीज़ें बेशुमार को आप उठा सकते हैं, आप यहाँ से आप बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, कोई हदीस वगैरह भी ले सकते हैं, कोई टोटके वगैरह भी यहाँ पे सर्च करेंगे सारा कुछ आपको यहाँ पे वो रेडीमेड मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ इस्लामिक बैकग्राउंड के ऊपर वो क्लिक करूँगा तो यहाँ से हम कुछ बैकग्राउंड ले लेते हैं अपनी वीडियो के लिए, जिस तरह ये मैंने ले लिया है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, ये भी एक ले लेता हूँ, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। आप पीछे आ जाते हैं, हमने कुछ हदीस वगैरह भी यहाँ से वो ले लेते हैं। ये हदीस नबी आप लिखेंगे, उसके ऊपर आप सर्च करेंगे, ये देखें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हदीसें आ गई हैं। इसी तरह आप अकवाल ज़रिए यहाँ सर्च करेंगे तो अकवाल ज़रिए आ जाएंगे, कोई टोटके सर्च करेंगे तो वो आ जाएंगे, जो भी आप यहाँ से सर्च करेंगे आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं कुछ ले लेता हूँ जल्दी जल्दी से, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखें सारी ये हमारी गैलरी के अंदर ये सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं। तो आपने इनको इस तरह आपने वो डाउनलोड कर लेना है और अब हम पीछे आ जाते हैं। अच्छा, अब हमने जो हदीस को जो डाउनलोड किया हुआ है इमेज सर्च मैन से, अब हमने उसका जो बैकग्राउंड रिमूव करना है तो उसके लिए आपने क्रोम के ऊपर चले जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है बीजी, ये जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। ये जो वेबसाइट आ गया है तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस हो गया, यहाँ लिखा हुआ है अपलोड इमेज, यहाँ पर आपने सर्च करना है और उसके बाद यहाँ से आपने इसके ऊपर कोई भी हदीस है उसके ऊपर आपने वो टिक करना है, चाहे कोई पिक्चर है उसके ऊपर आपने टिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने डन करना है। तो ये देखें बड़ी जल्दी और इजीली जो हमारा वो बैकग्राउंड वो रिमूव हो गया है। उसके बाद यह जहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये गैलरी के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह आपने यहाँ से जो है वो इसको आप इसका जो बैकग्राउंड आपने इसको रिमूव कर लेना है। तो आप पीछे आ जाते हैं वापस, अब जो हम वीडियो को बनाना सीखते हैं तो यहाँ पर जो मैं इन शॉट को मैं ओपन कर लेता हूँ तो आप कोई सा भी एडिटर ले सकते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। ये बड़ा आसान सा एडिटर है जो नए यूट्यूबर होते हैं उनके लिए काफ़ी ये मददगार है। ये वीडियो वाला सेक्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने न्यू के ऊपर चले जाना है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले यहाँ से हमने कोई बैकग्राउंड ले लेना है, ये बैकग्राउंड मैंने ले लिया। उसके बाद ये टिक वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया है। ये जहाँ इन शॉट का लोगो है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ईजिली लोगो रिमूव हो जाएगा। अब हमने इसको थोड़ा सा वो बड़ा कर लेना है, तो आप अपने वीडियो के हिसाब से आपने बड़ा करना है, जितनी आपने इसके अंदर हदीसें ऐड करनी है। वीडियो को आप चाहे लंबा करें 6 मिनट की या 7 मिनट की या इससे कम हो, लेकिन वीडियो का जो बनाने का तरीका वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ।
ये बैकग्राउंड हमारा ऐड हो गया है। अब हमने यहाँ पे जो अदीस है उसको हमने ऐड करना है, जो हमने जिसका बैकग्राउंड हमने वो रिमूव किया है। ये जो पी आई पी है इसके ऊपर हमने करना है क्लिक, और यहाँ से हमने गैलरी के अंदर चले गए हैं, तो यहाँ से हमें जो डाउनलोड किया हुआ था वो वहाँ से हम वो अदीस ले लेते हैं। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से जो हमने वो एक अदीस ले लिया है। तो देखिए यहाँ से अगर इसका जो बॉर्डर शो हो रहा है, अगर ये सही तरीके से ना रिमूव हुआ हो, तो ये जो क्रॉप वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने करना है क्लिक, और इसको आपने थोड़ा सा वो क्रॉप कर लेना है, इस तरह ईजीली हो जाएगा। तो इसके बाद आपने टिक वाला ऑप्शन इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से, आपने यहाँ पर वो रखना है जहाँ ये ईजीली सेट हो जाए। यहाँ देखें ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे जो है आपने इस तरह रख लेना है, सेट कर लेना है। तो उसके बाद अब जो यहाँ सीखने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है यहाँ से। तो उसके बाद हमने इसको नीचे लेके आना है, यहाँ पर इधर नीचे ले आना है हमने, यहाँ पर सिर्फ हमको ये सिर्फ ये लाइन जो है वाइट वाली नज़र आनी चाहिए। उसके बाद ये जो टिक के साथ एक छोटा सा तो कौन सी बनी है, साथ में एक प्लस का जो आइकन बना है, इसको हमने क्रोमा की लगाना है। हमने पहले इसको क्रोमा की लगाना है, अब इसको हमने जितना हमारा बैकग्राउंड है इसको हमने उतना ही बड़ा कर लेना है। ये हो गया, अब हमने इसको आराम आराम से ऊपर लेके जाना है। इसी हदीस को हमने देखे, आराम आराम से आपने इसको ऊपर लेके जाना है, कोई जल्दी आपने नहीं करनी, क्योंकि इसके बाद हमें इसकी जो वॉइस ऊपर इसकी हमने करनी है। ये देखें यहाँ तक आप ले जाएँ, उसके बाद ये जो टिक वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। तो अब हम प्ले करके देखते हैं, तो ये आप देखें कि ये कितनी आसानी से और आहिस्ता आहिस्ता से ये आप ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल अदीसें वगैरह जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेनी, इसी तरह आपने सिर्फ बनाने का तरीकाकार आपको मैं ये समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर जो अपनी वॉइस को ऐड करना है, तो उसके लिए ये जो म्यूज़िक वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। उसके बाद ये जो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, ये जो माइक बना हुआ है, तो मैं रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों को देखता है। तो इस तरह आपने इसकी जो है वॉइस आपने इसको रिकॉर्ड कर लेनी है। उसके बाद हम प्ले करके देखते हैं, तो इस तरह आपने ये वीडियो बना लेनी है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो दुआओं में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।